लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वाह बेगम वाह, आज तो मूड बड़ा अच्छा है, सब खैर तो है? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ बात तो है, आज खास मेहमान आने वाला ना जी। अरे बाबा कैसा मेहमान? रबड़ का मेहमान भाई, ये कैसा सवाल, मेहमान मेहमान होता है? ओहो जानी तुम तो चुप करो, आज सीमा का बचपन का प्यार आ रहा है। अगर तू सीमा का खानदानी नौकर ना होता तो तुम्हारा खानदान खत्म कर देता मैं। भाई कजन आ रहा है मेरा। कजन? अच्छा अच्छा बहन आ रही है बाबा। अच्छा आ नहीं रही है, आ रहा है मेरा भतीजा, स्मार्ट हैंडसम बेहतरीन। खुसूसियात तो सारी मेरी वाली बता दी आपने चाचा जान। अगर तू मेरा भतीजा होता ना तो आज तेरा तीजा होता, तीजा। अच्छा पापा छोड़े इनसे बातों को, मैं उसका कमरा रेडी कराती हूँ। अच्छा चलो जानी तुम आओ मेरे साथ, चलो मैं भी आऊँ। जी और कौन करेगा कमरा साफ? मैं भी जाता है, प्रोडक्शन से थोड़ा रोमांस करेगा ना। क्या चल रहा है हमारे घर में? अरे बाबा क्या हुआ था, आप क्यों आई है, जानी कहाँ मर गया है? अरे बाबा सीमा का कजन आ रहा है बाहर से, इसलिए कमरा तैयार कर रहा है जानी। बाहर से? मैं तो भी थोड़ी देर पहले बाहर से आई हूँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। अरे बाबा बाहर से नहीं, बाहर मुल्क से आ रहा है। अदा एक नौजवान ना मेहरम छोकरा हमारे घर में आकर रुकेगा, तुम्हारी इज्जत क्या गांव चली गई है? अरे नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, वो सीमा का कजन है। अरे अदा तुम बहुत बोले हो, तुमको नहीं पता ये बाहर के लोग ना बहुत गुल खिलाते हैं। अरे नहीं है बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बाबा मेरा क्या है, मैंने तो कह दिया, अब कुछ हो जाए ना तो बाद में मुझे ये नहीं बोलना कि मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ बाबा ठीक है ठीक है। सारे लोग चरिया हो गए उस मेहमान के चक्कर में, जवान छोकरो आ, अल्लाह खैर करे। अरे ये मैंने बंद क्यों कर दिया? अरे वो भी हमारा बेटा जी, इसको भी ले आओ, कोई नहीं, खुदा हाफिज। आप मेरे अब्बा जी से बात कर रहे थे? तदफीन के बारे में मशवरा कर रहा था ना। तदफीन क्यों? इसलिए कि तुम कोई फजूल बात करने का तो तेरा कत्ल करके मैं जन्नत में जाने का। ये अगर 90s और 50s के जोक्स खत्म हो गए तो मुझे बताएं मुझे क्यों बुलाया आपने? ये 1950s के नहीं, ये 50-50 के जोक है ना। आहा 50-50 का दौर तो कब का खत्म हो गया, अब तो 2020 का दौर है, बताएं क्यों बुलाया? अरे वो शहरोज आ रहा ना। रोज आ रहा है? कौन आ रहा है रोज? शहरोज मेरा भतीजा। अच्छा तो वो सीमा मैडम का कजन? हां वही, उसकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? अरे साहब इतनी खातिर तो आप अपने दामाद की भी नहीं करते। वो मेरे दामाद से भी बढ़कर है जी। बस तो फिर हमारे घर और मजाफात में बच्चू भाई का पूरा वक्त शुरू हुआ चाहता। क्या बोला? कुछ नहीं। तुम जानता नहीं मेरे को, फालसे की टोकरी में पैदा हुए हैं आप। आप डांस करें, मैं अभी जरा कुछ काम करके आता हूं। अदा क्या बात है, ये हारे हुए लीटर के चमचे की जैसी शक्ल बना के क्यों बैठे हो? अरे नहीं बाबा कुछ नहीं। अरे 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 बच्चू भाई आप यहाँ बैठे हो और मैंने आपको कहीं भी नहीं ढूंढा। अरे क्या मतलब है बाबा कहीं नहीं ढूंढ रहा? छोड़े इस बात को, वो आपके ना रकीब है रूसिया बल्कि रफी के अफ्रीका आ रहे हैं। अरे बाबा अब कौन आ रहा है, वो कजन काफी नहीं था? अरे वो आपकी बेगम के वो आ रहे, वो है ना आप। अरे अदा वो आपकी बेगम के ना अदा आ रहे हैं, अदा। अरे नहीं भाई कजन आ रहे हैं इनके। अब बाबा आने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ ये तो है, लेकिन एक बात है, वो बाहर से आ रहे हैं फॉरनर, आप यहाँ लोकल बिल्कुल मालिक लग ही नहीं रहे, थोड़ा तरह रूप
लाए अपने पर। यानी? यानी के जरा सूट बूट स्टाइलिश लुक आनी चाहिए कोई अच्छी। अरे नहीं नहीं जानी है, अदा साईं को तो ये सब नहीं आता है ना। ओहा, मैं हूँ ना, ऐसा तैयार करूंगा हीरो लगेंगे हीरो। हीरो? हाँ बाबा देखो ऐसा हीरो बनाना कि बाहर से आने वाले हीरो से भी ज्यादा हीरो लगे। ठीक है आओ फिर अंदर चलते। चलो ओ जानी, ओ जल्दी से हो जा पानी जल्दी। जानी जरा देखना बाहर कौन है ये। मेरे ख्याल से मांगने वाला है। ये तुम्हें यही खड़े खड़े कैसे पता चल गया? चलो जाओ भाई जाके देखो कौन आया। उन्होंने कहा ना जरा देखो, तो जरा में तो वो मांगने वाला लग रहा। बेटा तेरा उम्र कितना? 20 साल। यही कोई सारी छुट्टियां निकाल के। क्यों जवानी में अपने माँ बाप को मौत का दुख देना चाहता तू? चौधरी साहब आज तो बड़ा कातिल मूड है। टूटे टूटे कर देगा, टूटे टूटे। मेरे ख्याल से मैं देख ही लेता हूँ। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। भाई साहब मुझे लगता है गलत एड्रेस पे आ गए हैं। यहाँ कोई ड्रामे वरामे की शूटिंग नहीं हो रही। ये सीमा का घर है। बच्चू भाई का घर है ये तो। बच्चू ये कैसा नाम है? ये नाम है छेड़ है किसी की। वैसे आपकी तारीफ। अब अपने मुंह से मैं तारीफ करता हूँ अच्छा तो नहीं लगूंगा। सीमा से पूछ लेना। अरे वो तो नहीं आप कजन उनके जो जंगली कजन। मतलब? मतलब ये कि वो कह रही थी कि वही अफ्रीका से उनका कोई कजन आ रहा है। I am from South Africa। ओ भाई साउथ अफ्रीका हो सर, नॉर्थ अफ्रीका हो, अफ्रीका में जंगली होते हैं ना। वाह क्या आपके पास नॉलेज है फॉरेन कंट्रीज की। माशाल्लाह कभी भाई आपका प्राउड नहीं हुआ। बाहर क्यों खड़े हुए? अंदर चले ना। तुम्हारी तहकीकात खत्म हो तो अंदर जाऊं ना मैं। अरे नहीं नहीं यार बैग उठाओ। मैं उठा रहा हूं, बैग उठा रहा हूं। काफी ऊपर तक हैं आप। आइए आइए। हां भाई आइए 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 आइए। आज मेरा बच्चा आ गया ना। कैसे हैं अश्वत अंकल? मैं ठीक है। इससे मिलो जानी है जानी, मिल के अफसोस करो उससे। जी मैं नौकर हूँ। वो तो तेरा शक्ल चीख चीख के बता रहा कि तू नौकर है नौकर है। और ये बच्चू साहब की बहन है। समझ गया समझ गया, यानी कि आपने घर में नौकर भी रखा हुआ है और जोकर भी। तो देखो बिल्कुल जोकर लग रहे हो। अरे इसको छोड़ने का, सीमा से मिलने का। जी सीमा से। अरे पापा ये तो आया ही मेरे लिए इतनी दूर से। हाँ ना तुमसे मिलने तो आया हूँ इतनी दूर से। और यहाँ से सीमा और शहरोज की प्यार की दास्तान शुरू होती है। वैसे ये कार्टून नुमा आदमी कौन है? ये इंटरटेनमेंट के लिए घर में रखा हुआ है, हमारे साहब है बच्चू साहब। नहीं ये जानी ने मेरा अदा को ऐसा तैयार किया है, वरना मेरा अदा ऐसा नहीं लगता। हाँ वरना नौकर लगता है। क्या चले में चले अंदर चले, सबको आराम कर रहा है। आइए आइए आइए। यस यस व्हाई नॉट। अरे तो चलो ना अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो। जाने का नाने का फिर काना खाने का। चलो चलो जानी सामान लेके आ जाना। तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी में भी पप्पू निकले हैं आप। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं बाबा? अरे बाबा मजाक करता है, मेरा मजाक बना दिया सबके साथ मिलके। ये उलिया बनाया जोकरों वाला। और नहीं तो क्या, मेरे अदा को जोकर बना दिया। अरे रे वो तो जल्दी में ऐसा हो गया, आपकी दफा जब मैं तैयार करूंगा ना सब तारीफ करेंगे बच्चे भाई की। जानी मैं देख रही थी तुम उस बार वाले के साथ मिलके ना मेरे अदा की बहुत बुराई कर रहे थे। अरे वो तो बाहर से आया हुआ था ना, तो इसलिए मैं थोड़ी जरा खुशामद कर रहा था। हो सकता है कोई डॉलर कोई धर्म हमें दे दे, वरना मैं बच्चू भाई की टीम में हूँ। बाबा अब मैं कोई उलिया नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ बाबा। ऐसे? अरे नहीं बाबा सादा वाला उलिया बोला भी है। मैं जा रहा हूँ अंदर। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे शेरोज ठीक से निकालो ना खाना। ओके तो ये साहब कौन है? ये बच्चू है मेरे हस्बैंड।
अच्छा तो ये हैं बच्चू। बच्चू आप भी बैठे ना खाना खाए। शहरोज ठीक से निकालो ना, क्यों इतना कम कम निकाल रहे हो। सीमा कितना खिलाओगे? खा लो, एक दिन के खाने से तुम्हारी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये तो चुप चुप क्यों है? अरे बाबा आप लोगों के बीच में मैं क्या बोलूं। अच्छा वैसे आपका कोई जुड़वा भाई भी है जो नौकर है यहाँ पे? जुड़वा नहीं, क्यों? अरे बाबा वो मैं ही था। आप ही थे? मैं समझा कोई और जोकर था वो। अरे भाई साहब इतना खाना काफी या रीच फ्राई कर दूं? जानी अरे अफ्रीका से आए, मैंने सोचा कुछ पूछ ही। चले बच्चे भाई आप यहाँ क्या कर रहे खड़े हुए? नहीं नहीं बाबा चलो आए, चले चले चलो आप लोग खाए ना। जी जी तुम जाओ। ये बच्चू भाई ये उजड़े हुए चमन की तरह इधर से उधर क्यों टहल रहे हैं? अरे बाबा कुछ तबीयत अजीब सी हो रही थी। इन हालात में तो तबीयत अजीब सी होगी। हालात का क्या मतलब है बाबा? मेरे हालात बहुत अच्छे हैं। यार आप भी मासूम ही है बस। बाबा क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है जो अफ्रीकी है ना वो मैडम को झींगा लाला बना के ले जाएगा और आप यहाँ ऊ लाला करते रहेंगे। क्या बात कर रहे हो बाबा, वो कजन है सीमा का। तारीख गवाह है, बहुत से मासूम शोरों के घर इन कजनों ने तोड़े हैं। कौन सी तारीख की बात करता है बाबा, मैंने तो आज तक ऐसी तारीख ना पढ़ी है ना लिखी है। काश कि आप पढ़े लिखे होते तब पता होता आपको। अच्छा आप फिक्र नहीं करें। अरे बाबा ये फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, बोल बोल के ना तू मुझे फकीर कर देगा। अरे आप टेंशन ना लें, मैं अंदर की सारी खबरें निकाल निकाल के आपको दूंगा, बस आप हौसला रखें, मैं जरा कुछ घर के काम कर लूं। अच्छा पता नहीं बाबा क्या कह रहा था। अरे नहीं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ यहाँ पे। सब कुछ ठीक है। चलें ठीक है, आप भी ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। वाह भाई वाह। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं एक्चुअली बाजार जाने का सोच रहा था, शॉपिंग का मूड हो रहा था। हाँ हाँ तो तुम बच्चों को साथ ले जाओ ना, यहाँ के रास्ते ट्रैफिक में तुम्हें पता नहीं चलेगा, फंस जाओगे। यस यू राइट, मैं शॉपिंग के हवाले से वैसे भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। अरे बाबा तो मैं मदद करूंगा ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा जी? ये बच्चों और शेरोस शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो तुमको भी भैंस खरीद रहे क्या? क्या मतलब? बच्चों को ना बाहर का फैशन का पता नहीं है, तुम ऐसा करने का सीमा को साथ ले जाने का। अरे कौन कहाँ जा रहा है? अरे बाबा शेरोस और सीमा शॉपिंग पे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? अरे बाबा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं और आप कहने दे रहे? बकवास बंद करने का। और सीमा तुम जाओ शेरोस के साथ। कितने अच्छे लग रहे दोनों जी। हाँ वाकई अच्छे लग रहे। अरे बाबा गम और बढ़ाओ, बाबा गम और बढ़ाओ। गम और बढ़ाओ? अरे भाई जानी हूँ कोई आपकी बेवफा महबूबा नहीं हूँ। अरे बाबा मेरा मतलब है कि गाना मजीद गमगीन लगाओ। अच्छा भाई छोड़े बात को, एक बात पूछूं आपसे। हाँ बाबा पूछो। आज गर्मी काफी है ना? अरे बाबा मुझे तो नहीं पता कि गर्मी है, मेरी जिंदगी में तो मुस्तकिल खिदा ही चल रही है। मैं इसलिए पूछ रहा था अगर वो दोनों गए तो किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पे बैठ के आइसक्रीम तो खा रहे होंगे। आइसक्रीम? ऐसा भी हो सकता है कि दुकान पर एक ही आइसक्रीम बची हो सकता है कि चमचा भी एक ही बचा हो और मजबूरन वो एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हो। आय हाय सोच के इतना मजा आ रहा है। अरे अरे बच्चू भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले तो मैं यही आइसक्रीम ला देता हूँ। अरे बाबा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर सीमा अपने कजन के साथ चली गई तो क्या? बस फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे, मैं आपको रणवो वाला ड्रेस दिला के दूंगा। हटो बाबा पता बकवास करता है। अब तो कैसा दौर आ गया, आजकल सच्ची बात ही नहीं कर सकता बच्चू भाई। उसके साथ घूमने चली गई है पता नहीं किधर, मेरे अदा को छोड़ गई। अरे बेचारा मेरा अदा। क्या बात है दा? अरे बाबा देख नहीं रही है, मैं उदास हूँ। देख तो रही हूँ, सुन भी रही हूँ।
भला ये दुखी गाने कहाँ चल रहे हैं? आवाज यहाँ से आ रही है। आजकल मैं साहब जी का बैकग्राउंड डीजे बना हुआ हूँ। अरे बाबा जानी वो गाना लगाओ ना, दिल टूट ही गया। बच्चू भाई 110 दफा लगा चुका हूँ वो गाना, अब तो मोबाइल भी कह रहा है खुदा के लिए चेंज करो, कोई और वैरायटी लाओ। बाबा मेरी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। मरने से पहले मेरी सारी तनख्वाहें देते जाइएगा, वरना मैं आपकी कब्र पे आके झोली पहला पिला के बद्दुआ दूंगा। बकवास मत करो, चलें फिर आप शुरू करें। क्या खाना ठंडा हो रहा है? अरे कहाँ से खाना खाऊं, हालत से निवाला ही नहीं उतर रहा है। हलक से कैसे उतरेगा, जब पेट ही इतना भरा होगा तो कैसे हलक से उतरेगा। बको मत। बच्चू भाई अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं। नहीं बाबा मुझे भूख नहीं है। ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहे, वरना चौथी प्लेट भी इसके हलक से नहीं उतरेगी। कमबख्त तूने मेरे चावलों पे नजर रखी हुई है। देख ले, मैं तो आपकी बिरयानी पे नजर रखी हुई, कुछ लोग तो अपनी बीवी पे भी नजर नहीं रख रहे। बस बाबा बहुत हो गया है। नहीं साहब जी नहीं, आप हम सबको छोड़ के गाँव मत जाइएगा। अरे बाबा मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ। तो क्या आप भला शहर उसको गांव में भेजोगे, वो तो भला वहाँ नहीं रहता। अरे बाबा आने दो सीमा को, आज इस पार या फिर उस पार। अरे आप अकेले ही इस पार हैं, वो तो कब की उस पार निकल भी गई। अरे बाबा एक बात तो बता, तू मेरी तरफ है या उस शहरोज की तरफ? मैं तो हर रोज आपकी तरफ होता हूँ, शहरोज में रोज क्या बेचते हैं आपके आगे। चल बाबा बस फिर हो गया फैसला। छोड़ना नहीं तो बहुत गलत है, घूम रही होगी, आने दो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तुम चुपचाप जो है निकाल करके आ जाओ, समझ में आया ना, किसी को पता नहीं लगने का। और वो जो गांव का आदमी है ना, उसको बोतल में उतारना हमारे दाएं हाथ का काम है, बाकी जो है ना सीमा सब संभालने का, ठीक है? अरे ये बड़े मियां तो पूरी तैयारी कर चुके हैं घर तोड़वाने की। हे बेटा जानी अब तैयार हो जा, नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है। अभी बच्चू भाई को बताता हूं। समझी बच्चू भाई? अरे बाबा कितनी बार कहे जानी, दरवाजा खटखटा के आया करो। सुनामी दीवार कूद के आ गया और आप मुझे कह रहे कि दरवाजा खटखटा के आऊं? अरे बाबा कौन आ गया है? सुसर की बातें सुन ली है। अरे बाबा कोई बात नहीं, अगर बड़े कोई बात सुना भी देते हैं तो बुरा नहीं मानते हैं। बच्चू भाई मैं कह रहा हूँ सुनामी आ गया है और आप कह रहे छतरी कहाँ है? क्या मतलब है बाबा? अरे बच्चू भाई आपके सुसर आप मैडम की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं और वो भी अफ्रीकी के साथ। क्या बात कर रहा है बाबा, शादी? हाँ शादी तो मैंने भी की थी। अरे भाई वो तो बासी हो गई, ये ताजा शादी की बात कर रहे हैं। अरे बाबा शादी है या बकर खानी? अरे भाई आपको बेकरी की पड़ी हुई, बीवी का सोचे बीवी का खुदारा। अरे बाबा क्या करे बताओ। बच्चू भाई अपनी सोई हुई शराबत को जगाए जो इस वक्त कौमे में चली गई है। शरीफ बच्चू से मुलजिम बच्चू में तब्दील हो जाए, हो जाए हर पार। चलो बाबा आज हो जाए। हाँ ये चीज गुस्सा, आगे चलो बाबा। शाबाश 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 मेरे शेर, आज शहरोज का आखिरी रोज होना चाहिए। हाथ कांप क्यों रहे? मर्द बने मर्द। हाँ ये चीज, ये खुद ना लग जाए, देखना है। आ, बाबा कहाँ थे बाबा तुम लोग शाम से? I'm really sorry बच्चू भाई, इसमें सीमा का कोई कसूर नहीं है, उसने जो कुछ भी किया मेरी मोहब्बत में किया है। अफ्रीकी भेड़िए तेरी हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की? वो एक्चुअली निकाह खान नहीं मिल रहा था, उसके इंतजार में इतनी देर हो गई। बच्चू भाई इसके गले में फूलों का हार नहीं, आपकी हार लटक रही है। सालगिरह आपकी, सालगिरह मुबारक। सालगिरह नहीं शादी, शादी मुबारक। शादी किसी की? शादी तुम्हारी भाभी की इस अफ्रीकी भेड़िए के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? सीमा राडिये, तूने सीमा मैडम की शक्ल प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करा दी ताकि हम पहचान ना सके, लेकिन तू अभी जानी की औकाबी निगाहों को नहीं जानता। अरे बाबा अभी ये कौन है? बच्चू भाई मैं बताता हूँ, आपकी जान लेने के लिए किराए के गुंडे साथ लाया है। भाई तुमको अगर मुझ तक पहुँचना है तो बच्चू भाई की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। चले आ गया क्या पागल, अल्लाह अल्लाह करे। अरे बच्चू। अरे बाबा ये सब क्या है?
शेरोज मेरा भाई, ये इस लड़की को प्यार करता था, इसे शादी करना चाहता था और ये इसके भाई हैं, लेकिन मेरे चचा नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने और पापा ने मिलकर इन दोनों की शादी करा दी। अच्छा भाई, बच्चू भाई मुझे माफ कर दो, मैं सीमा के बगैर शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरी बहन से भी भड़के है। अच्छा भाई बहन, आइसक्रीम एक ही चमचा। हो सकता है ना बाबा? क्या हुआ बच्चू, क्या बोल रहे हो? अरे बाबा हुआ नहीं है, अब होगा बाबा, आपके जानी का मेरे हाथों से कत्ल। मेरे दादा सही आ रहे हैं बाबा, जरा घर का ख्याल रखना, गुस्से के बड़े तेज हैं। अरे दादा आ रहे हैं या दादागिरी करने आ रहे हैं? बाबा पुराने ख्यालात के आदमी हैं, बस उनका ख्याल रखना है। दादा सही, ये मेरी बीवी है सीमा। अब क्या हुआ है दादा सही? अरे शादी कर ली, मुझे तुमने बताया तक नहीं है, क्या बात है बाबा ये? वो दादा सही जो कुछ भी बना बहुत जल्दी में हुआ। जानिए दादा सही का स्टाइल है, स्टाइल। ये स्टाइल सीखा कहाँ से? दादी से, वो दादा सही से ऐसे ही बात किया करती थी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब दादी का गुस्सा हम पे उतार रहे हैं। आज जुमेरात है ना, तो हम हर जुमेरात को ना हलवा बना के गरीबों में बांटते। लेकिन आपसे किसने कहा कि हम गरीब हैं? आपके नौकर ने। क्या? हाँ। 20,000 रुपए चाहिए, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा आपको। अच्छा बाबा, और तनख्वाह कब मिलेगी? जब काम लगेगा। और काम कब लगेगा? जब मैं ढूंढूंगा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।